शालोम शालोम शालोम। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। क्या जो उपस्थिति में हम आज आनंद मनाते हैं और कितना सुंदर समय है कि हम प्रभु परमेश्वर की आराधना में आज शामिल होने जा रहे हैं। तो मैं विनती करूंगा कि हम सब तैयार हो जाए और प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। मैं विनती करूंगा सिस्टर जॉली से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीव सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु एक और दिन तूने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरी महान कृपा के लिए, तेरी भलाइयों के लिए। प्रभु तू हमारा उद्धार करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपनी जान क्रूस पर हमारे लिए दी प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे लिए बलिदान दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे पापों को श्रापों को तूने क्रूस पे हर लिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम तुझ में आनंदित हैं प्रभु, तुझ में आज़ाद हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सामर्थ देने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं। तू जिंदा है प्रभु जी, तू तीसरे दिन जी उठा प्यारे यीशु जी। हालेलुया, तू हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग तुझ पर विश्वास करते जाते हैं उन सब को प्रभु तू अपनी आशीषों से भरता है, अपनी सामर्थ से भरता है, अपनी संपन्नता से भरता है, अपने अभिषेक से भरता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम में छुटकारा है प्रभु जी, तेरे नाम में चंगाई है प्यारे यीशु जी। और आज हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो कर्जे के नीचे डूबे हैं प्रभु, उन्हें कर्जे के नीचे से निकाल प्यारे प्रभु जी, वो कर्ज का बोझ उनके ऊपर से उतार दे प्यारे यीशु जी। हालेलुया, जिनको अपनी किश्तें भरनी है आज हम उन सारे भाइयों को तेरे चरणों में लाते हैं, उन सारी बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, उनके बोझों को तू दूर कर प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, हर एक भाई बहन जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें, यीशु के बलिदान के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करें, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा वो चंगे हुए हैं। हालेलुया, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन जो किसी समस्या में प्रभु जी उलझे हुए हैं, वो सारी समस्याएं यीशु के नाम से दूर खुल जाएं, ठीक हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। ऐसे सारे सवाल जिनका जवाब लोगों के पास नहीं है प्रभु, वो सारे जवाब तुझ में है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु, इस सभा को यीशु तेरे लहू में ढांपते हैं। शुरू से आखिर तक तू नियंत्रण कर, हमारे पापों की क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर और सारे भाइयों को बहनों को अपनी आशीषों से भर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रियों कितना सुंदर समय कि हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं और आइए हम प्रभु परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, बढ़ा चल मसीही जवान, सूली के साय तले, सूली के साय तले, उस गीत को गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पुकारे तुझे आज सूली यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। पुकारे तुझे आज सूली यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ।
बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। करे आज सारे वो पाप क्षमा सूली के साए तले, सूली के साए तले। करे आज सारे वो पाप क्षमा सूली के साए तले, सूली के साए तले। ओ पढ़ा चल पढ़ा चल मसीही जवान सूली के साए तले, सूली के साए तले। जाना है तुझको मसीही जवान पुकारे तुझे आज सारा जहां, जाना है तुझको पुकारे तुझे आज सारा जहां, पुकारे तुझे आज सारा जहां। मत सोच तेरा ठिकाना कहां, तू मत सोच तेरा ठिकाना कहां, सूली के साए तले, सूली के साए तले। भाचन भाचन मसीही जवान सूली के साए तले, सूली के साए तले। भाचन भाचन मसीही जवान सूली तले, सूली के साए तले। पुकारे तुझे आज सूली यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। पुकारे तुझे आज सूली यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। हे आज सारे वो पाप क्षमा, हे आज सारे वो पाप क्षमा, सूली के साए तले, सूली के साए तले। बढ़ा चल बढ़ा चल जवान सूली के साए तले, सूली के साए तले। जाना है तुझको मसीही जवान पुकारे तुझे आज सारा जहां, जाना है तुझको मसीही जवान पुकारे तुझे आज सारा जहां, पुकारे तुझे आज सारा जहां, पुकारे तुझे आज सारा जहां। तू मत सोच तेरा ठिकाना कहां, तू मत सोच तेरा ठिकाना कहां, सूली के साए तले, सूली के साए तले। पढ़ा चल मसीही जवान सूली के साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले। तेरी महिमा हो यीशु राजा, स्तुति स्तुति बहता दरिया यीशु मेरा,
हाँ इसमें तो डूब जा, अपने जीवन की सागर की सारी कड़वाहट मिटा, बहता दरिया। हालेलुया, यस, लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। थैंक यू जीसस। ओरा बरा 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 यीशु दली जय, यीशु दली जय, यीशु दली जय। जल बहता जाए,
और पीने वाला इस पानी को उनके फल से भर जाए, पीने वाला इस पानी को उनके फल से भर जाए। ओ हर दल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए, हर दल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए, और पीने वाला इस पानी को उनके फल से भर जाए। पीने वाला इस पानी को तुझे फल से भर जाए, जीवन बचे जाना भी अच्छा ये दरिया, जीवन बचे जाना भी अच्छा ये के आशीषों का स्रोत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो बहता दरिया, हर प्रकार की आशीष बहती है प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से, परमेश्वर पिता के सिंहासन से हर प्रकार की आशीष बहती है और वे मनुष्य तक पहुंचती है। अगर आज कोई यीशु मसीह को पुकारेगा तो उसके पापों की क्षमा होगी और परमेश्वर उसको आशीषित करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में आनंद देगा।
परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर रहेगी। कितना सुंदर समय, बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने हैं, जो उनके अपने हैं उन्हीं को चुन चुन के ले जाएंगे, बाकी सब यहीं रहने वाले हैं। तो अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं तो मन फिराओ, पश्चाताप करो, पानी का बपतिस्मा लो और प्रभु के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करो, तो वो फिर आपके लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। कलवरी कलीसिया उसकी दुल्हन है। हर एक विश्वासी जिन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन जी रहे, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और बिना दाग और बिना झुर्री की कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तैयार हो जाइए, गाइए इस गीत को, बहुत सुंदर गीत है 197। थैंक यू लॉर्ड। सवा विश्व महिमा में जब आए
धन्यवाद प्रभु यीशु, बेखबर 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 तेरी मंजिल है, मंजिल किधर, तुझको यीशु पुकारे इधर, उसकी राहों में कर ले सफर। आइए इस गीत को गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पुकारे इधर, उसकी राहों में कर दे
पूरी मंजिल है मंजिल के दर, कुछ को ये शुभ कार्य दर, बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति या प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र प्रभु की।
तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सबल करे, तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सबल करे। उठू प्रार्थना वीर बन कर हर पर को सफल करे, उठू प्रार्थना वीर बन कर हर पल को सफल करे। यीशु नाम सुनाने, यीशु नाम को सुनाने पूरे जग में जाना है। आराधना प्रभु, आराधना 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 मेरे प्रभु यीशु की आराधना। सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना, ईश्वरों की ईश्वरों की आराधना,
को चढ़ा का हरी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। हालेलुया परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज सुंदर दिन के लिए। पिता तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि प्रभु आज हर एक जन के ऊपर बरसने दे प्रभु जी, हर एक जन को तू आज स्पर्श कर पिता प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडलाने दे पिता प्रभु जी। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलवरी चर्च के हर एक भाई बहन को पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। आज हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं बहन आरती के पेट में जो दर्द है प्रभु जी, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा वह सारा दर्द दूर हो। सिस्टर आरती को पेट का सारा दर्द दूर हो। हे प्रभु परमेश्वर, जिनकी भी पेट में दर्द है, जिनको भी पेट की समस्या है, आज यीशु के नाम से वह चंगाई बहने दे प्रभु। कोई भी पेट की प्रॉब्लम रहने ना पाए, कोई भी पेट की प्रॉब्लम, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं यीशु के नाम से चंगाई जाहिर कर देता हूँ। राधा बहन के शरीर में जो कमजोरी है पिता परमेश्वर, आज दुष्ट आत्मा है प्रभु परमेश्वर पितर निकल रहा है पिता प्रभु। धन्यवाद हमारे भाई कृष्णा को, सिस्टर राधा को, उनके सारी बहनों को, सारे परिवार को प्रभु तू शुद्ध कर, पवित्र कर, और राधा बहन को पूर्णता चंगाई दे। राधा और कृष्णा और जितने भी सारे उनके परिवार के सदस्य, इनके लिए शैतान ने जो वाचा है बांध दिए प्रभु जी। यीशु के नाम से सारी शैतानी वाचाओं को मैं दूर करता हूँ। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा वे चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाए, और हर एक बीमार आज यीशु के नाम से चंगा हो जाए। आज जिन जिन व्यक्तियों ने प्रभु प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है, इन दोनों बहनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी ऑनलाइन, हालेलुया, आरती बहन और राधा बहन, इन दोनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, और पूर्ण चंगाई दे प्रभु। सारे बंधनों को तोड़ दे पिता प्रभु, सारे रुकावटें दूर कर। जो जो व्यक्ति बीमार है उनको पूर्ण चंगाई दे प्रभु। सारी शैतानी शक्तियां जीत कर डाल, सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाए और तेरी महिमा होने दे पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते, तूने हमारी दुआ कबूल करी है। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे पंत प्रधान के लिए, हमारे भारत के सारी मंत्रिमंडल के लिए, हे प्रभु सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, और सारे प्रभु परमेश्वर पिता उनका समन्वय और उनका प्रभु एक योग्य प्रभु तालमेल उनके रहे प्रभु जी। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे अधिकारियों के विरोध में जो भी शैतानी शक्तियाँ काम करती है, विरोध की आत्मा, झगड़े की आत्मा, शैतान की आत्मा, ये मनुष्य नहीं करता, शैतान करता है प्रभु। शैतान झगड़े लगाता है, शैतान ये दुष्ट आत्माएं आती है, और जो हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में झगड़े लगाती है, उस शैतान की आत्मा को जो मनुष्य नहीं लेकिन शैतान है, उसको यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। हमारे अधिकारियों के विरोध में जो भी शैतानी शक्तियाँ आती है प्रभु, उनको मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। हे प्रभु जी, एक योग्य हालेलुया मेलजोल रहे पिता परमेश्वर, हमारा देश सबसे ऊंचा हो प्रभु परमेश्वर, हमारे देश के सारे अधिकारियों को नियंत्रण अपने हाथों में ले प्रभु जी। विधानसभा, राज्यसभा और प्रभु परमेश्वर पिता सारी प्रभु ये विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इन सभाओं में प्रभु यीशु की सामर्थ्य जाए। इन सभाओं में पवित्र आत्मा हम तुझे विनती करते कि जार वहाँ पे कंट्रोल कर पवित्र आत्मा, उन सारे शैतानी योजनाएं यीशु के नाम से बांध देते हैं। वहाँ पे जो भारत के लिए अच्छी योजना है वही योजनाएं पूरी हो जाए प्रभु जी। वही योजना पूरी होने के लिए मैंने प्रार्थना की है, कोई शैतान सामने नहीं आएगा। शत्रुता की, शैतान की सारी शक्तियों पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, ऐसा यीशु ने मुझे कहा है। और उन सारे शैतानी शक्तियों का अधिकार हम कलवरी चर्च के सारे लोग ले लेते हैं, उनको भगा देते हैं, और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा से भगा देते हैं उन दुष्ट आत्माओं को। और हमारे सारे अधिकारियों का नियंत्रण है पवित्र आत्मा, तो अपने कब्जे में कर ले प्रभु परमेश्वर।
आने वाले दिनों में बहुत आर्थिक तंगी बढ़ने वाली है, वो आर्थिक तंगी आने ना पाए प्रभु जी। बेरोजगारी बढ़ने वाली है, ऐसे लोगों ने कहा है प्रभु जी, वो बेरोजगारी टाल दे प्रभु जी, हर एक को काम मिलने दे प्रभु जी। हे प्रभु जी, तू कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे हालेलुया ओ पश्चाताप करेंगे, यदि वे नम्र होकर दीन होकर प्रार्थना करें, हालेलुया अपने बुरे मार्ग से फिरे और मेरे दर्शन के अभिलाषी हो, तो मैं उनकी प्रार्थना स्वर्ग पर से सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा, उनके देश को मैं चंगा कर दूंगा। आई विल हील देयर लैंड सेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए प्रभु जी, आज प्रभु हमारे प्रभु भारत के लिए कौन प्रार्थना करेगा? प्रभु भारत के लिए तो हम ही प्रार्थना करेंगे। और इसलिए भारत में बेरोजगारी आने ना दे, हमारे भारत में आर्थिक समस्या आने ना दे, हमारे भारत के विरोध में रहने वाले सारे आतंकवाद, युद्ध, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमारे पंत प्रधान को ताकत दे, हमारे सारे मंत्रिमंडल को ताकत दे, हमारे सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को ताकत दे कि इन सारी परेशानियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। प्रभु कोविड के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया है प्रभु परमेश्वर, और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो जो प्रार्थना है प्रभु तेरे विश्वासियों ने और बड़े बड़े पासवानों ने किए प्रभु जी, छोटे छोटे पासवानों ने किए प्रभु जी, अश्रु बहाए पिता प्रभु, आंसू बहाए पिता परमेश्वर, उन सारी प्रार्थनाओं को तूने कबूल किया है प्रभु जी, और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये लॉकडाउन खुल रहा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हर एक चर्च यीशु के नाम से खुल जाए, हर एक चर्च में प्रभु तेरे पवित्र लोग आके आराधना करे। जब कलीसिया में प्रभु कल चर्च में जब आराधना करेंगे तो परमेश्वर इस देश के ऊपर का सारा श्राप दूर करेगा। हालेलुया, आराधना के द्वारा सारा श्राप दिल्ली का, भारत का दूर होएगा और प्रभु तेरी महिमा होएगी। तेरे पवित्र लोगों के कारण ये पृथ्वी चल रही है प्रभु जी। तेरे जो कुछ पवित्र लोग हैं प्रभु जी, हर एक शहर, हर एक कस्बे कस्बे में तूने रखे प्रभु अपने लोग, हर एक बड़े बड़े गांव में तूने रखे अपनी कलीसियाएं, उन सारी कलीसियाओं के लिए धन्यवाद, उन सारे बड़े छोटे बड़े बड़े पासवानों के लिए धन्यवाद, उन सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने अपना जीवन पवित्र रखा, जो शैतान के सामने अभी तक नहीं झुके, हालेलुया, जो यीशु की मूर्ति के सामने नहीं झुके, जिन्होंने मूर्ति पूजा नहीं करी, और ऐसे लोगों को तूने अभी चुन के रखा है प्रभु जी कि वे उनके द्वारा तू अपनी महिमा लेगा प्रभु जी, उनके द्वारा तू अपनी सेवा लेगा पिता परमेश्वर। धन्य है वे जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं। मनुष्य तो मनुष्य है और परमेश्वर तो परमेश्वर है। प्रभु सारे बंधनों को तोड़ दे, हमारे देश पर जो संकट आया है ये संकट को प्रभु दूर कर दे। आज हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, खास करके हमारे कैलवरी चर्च के हर एक सदस्यों के घर में पैसा रहे, नौकरियां मिले, बच्चों का कल्याण हो, बच्चों की शादियां हो, यीशु मसीह के नाम से हो, उनके बिगड़े कामों को बना दे प्रभु जी, उनको पैसा दे, उनकी प्रभु कर्जों से मुक्त होने दे। पूरी कीमत तूने चुकाई है प्रभु कैलवरी चर्च के लिए, अरे प्रोग्राम देखने वाले लोगों के लिए पूरी कीमत तूने चुकाई है। आज तेरी पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर मंडला रही है, सारी बीमारी दूर हो रही है यीशु के नाम से, सारा एड्स दूर हो रहा है, सारा कैंसर दूर हो रहा है, सारे ट्यूमर दूर हो रहे हैं, सारे गठिया दूर हो रही है, हर एक प्रकार की ENT प्रॉब्लम दूर हो रही है। प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहा है, प्रभु यीशु की सामर्थ हर एक घर में उतर आ रही है, प्रभु यीशु की सामर्थ हर एक घर में उतर आ रही है, पवित्र आत्मा हर एक घर में उतर आके हालेलुया उन घरों को अपना रहा है, उनके सारी अशुद्ध चीजें निकालो प्रभु कहता है, वो सारी अशुद्ध और घृणित चीजें घर से निकालो प्रभु कहता है, हालेलुया तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और मैं और तुम मेरे बच्चे होंगे, हालेलुया। उनके बीच से निकलो, उनको अपने जगह से हटाओ प्रभु कहता है, हालेलुया। हे प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरान दे प्रभु। हम घृणा करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह की, हालेलुया, जो जो जगह लेते हैं परमेश्वर परम प्रधान की, जो जगह लेते हैं हालेलुया, उनकी हम घृणा करते हैं प्रभु जी। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर को स्थान मिलना ही चाहिए, जो परमेश्वर है उसको परमेश्वर ही कहलाना चाहिए। ओ प्रभु, 33.5 करोड़ नहीं है प्रभु, सच्चाई तो एक ही है, हमारे लिए सच्चाई तो एक ही है और वो यीशु मसीह है, हालेलुया। और तू हमको प्राप्त हुआ और तूने हमारी आंखें खोली और प्रभु तूने हमसे पहले प्रेम किया और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं।
प्रभु हरे कलवरी कलीसिया के सदस्य को आशीषित कर। जब कलवरी चर्च खुलेगा सब लोग दौड़े भागे चर्च में आए, ऐसा यीशु के नाम से हो। उतना ही नहीं प्रभु जी, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे साउथ ईस्ट कैलवरी चर्च, जीवन नगर कैलवरी चर्च, इलायचीपुर कैलवरी चर्च, मालवीय नगर कैलवरी चर्च, मंझावली कैलवरी चर्च, इन चर्चेस के ऊपर, इन जगहों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जोरों से पवित्र आत्मा मंडलाए। हे प्रभु, इसी वक्त पवित्र आत्मा से विनती करते हैं, उन जगह पे जा और वहाँ के सारे बलवान दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। वहाँ पे प्रभु तेरी आराधना चलने पाए। वहाँ पे जो फिरौन की आत्मा है, जो प्रभु आराधना करने के लिए रोकती है, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। उन पांचों जगहों पे तेरी पवित्र आत्मा जोरों से मंडलाए। उन पांचों जगह पे प्रभु आराधना सभा शुरू हो जाए। वहाँ पे जो विरोध है यीशु के नाम से दूर हो जाए। हे प्रभु, जो अन्य जाति के लोग विरोध कर रहे हैं प्रभु, तू देख पिता परमेश्वर, उनको शांत कर यीशु राजा। वो शांत हो यीशु के नाम से, वो शांत हो यीशु के नाम से। और आराधना योग्य रीति से की जाए प्रभु जी। तेरी आराधना करेंगे, किसी मनुष्य की आराधना नहीं करेंगे, किसी मनुष्य की महिमा नहीं करेंगे। हो प्रभु, वी विल बी वेरी केयरफुल टू गिव यू ऑल द ग्लोरी ओ गॉड। प्रभु, हम सारी महिमा तुझको देंगे। तू बड़े बड़े चमत्कार हमारे बीच में कर, तू बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हमारे कैलवरी चर्च में कर, और तुझे हम सारी महिमा देंगे प्रभु जी। तुझे हम सारी महिमा, प्रशंसा और धन्यवाद देंगे, क्योंकि तू उसके योग्य है। पवित्र 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 परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, आग से बचाने वाले हालेलुया शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है, जो था जो है और जो आने वाला, हर बादलों में हमारे साथ हमको साथ अपने साथ उठा के ले जाने वाला, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। हे दुनिया के लोगों सुनो, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। हे दुनिया के लोगों सुनो, मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है। हे दुनिया के सारे लोग सुनो, हालेलुया परमेश्वर चंगाई देता है। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक जन को प्रभु चंगाई दे। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा मंडल आने दे। जो जो बीमार है प्रभु जी, छोटे शैली को पूर्ण चंगाई दे राजा। सारे बंधन यीशु के नाम से मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु जी। ओ रबा 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 शिखा रबा 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 संदर तका रतका रिया तका रंदो रूप बुरिया लबा रबा। आज तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इन प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर जो आज देख रहे प्रभु इस कार्यक्रम को, तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडल आना दे। उनके घरों में जा प्रभु जी, उनके दिलों दिमागों में तेरी शांति राज्य करे प्रभु। और सारी अशांत लाने वाली ऐसी परिस्थिति को, ऐसे दुष्ट आत्मा को आज मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। उन सारी शैतानी आत्माओं को जिन्होंने लोगों के साथ वाचा बांधी है, हालेलुया, उनको मैं तोड़ रहा हूँ इसी वक्त। उन सारी शैतानी वाचाओं को मैं नष्ट कर रहा हूँ। मैं राधा को आजाद कर रहा हूँ, कृष्णा को आजाद कर रहा हूँ। हे प्रभु, उसकी राधा की बहन को आजाद कर रहा हूँ, विशाखा को मैं आजाद कर रहा हूँ। यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से आजाद हो। आरती बहन के पेट का दर्द यीशु के नाम से दूर हो। हो रबा 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 शंदा रबा 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 रबा। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे। कैलवरी चर्च के सारे पास्टर स्टाफ को आशीषित कर। हो प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉली गायकवाड़ के लिए, पास्टर इब्राहिम के लिए, पास्टर प्रदीप के लिए, और हमारे कैलवरी चर्च के सारे सेल ग्रुप लीडर्स के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, प्रार्थना योद्धा के लिए। आज तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडलाने दे। जीवन नगर में प्रभु परमेश्वर पिता, जो प्रार्थना चल रही इस सभा के लिए, जो प्रेयर वॉरियर्स बैठे हैं प्रभु जी, ताकि इस सभा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हे प्रभु परमेश्वर, उसके बदले में हर एक दर्शकों को आशीष दे। उनके कारण हर एक कलवरी चर्च के सदस्यों को आशीष दे। अच्छा, वो यीशु को पुकारेंगे, यीशु उनको उत्तर दे। हालेलुया, हे परमेश्वर, हे महाराजा, जब हम तुझे पुकारे तू हमें उत्तर दे। हे महाराजा यीशु, हे महाराजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जब हम तुझे पुकारे तो हमें उत्तर दे प्रभु जी। हर एक प्रकार की बीमारी, जिनका जिनका पेट दर्द हो रहा है, जिनकी जो भी समस्या है प्रभु, आज यीशु के नाम से मैं हर एक को आजाद करता हूँ। अपना दाहिना हाथ अपने सिर पे रखिएगा। हालेलुया, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के कोड़े गाने के द्वारा आज वो तेरी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर मंडलाए प्रभु, और उनके अंदर के सारी बीमारी दूर हो, यीशु के कोड़े गाने के दूर हो। उनके विरोध में जो सारे विघ्न आपत्ति विपत्तियां जितने भी आई है प्रभु जी, वो सारी विपत्तियां दूर कर। हे परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराने दे। हे प्रभु परमेश्वर पिता, सारे बंधनों को तोड़,
सारे बंधनों को तोड़, सारी रुकावटें दूर कर, एक एक व्यक्ति को आजाद कर, एक एक व्यक्ति को आजाद कर, आजाद हो यीशु के नाम से। प्रभु जैसे वो हाथ उनके सिर पे रखे गए हैं, आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके ऊपर उतरा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतरा है, सारे बंधन तोड़े जाए, सारी रुकावटें दूर कर दिया, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उतराने दे, हर तेरी महिमा होने दे। प्रभु एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर हम हालेलुया हर एक को आशीषित करते हैं। हमारे प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता पास्टर टीबी जोशुआ को तूने अपने पास उठा लिया है, वो तुझको प्यारे हो गए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी इच्छा थी हालेलुया, वो तेरा तेरे दास बहुत महान से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन तुझे अच्छा लगा कि तूने उसको स्वर्ग में उठा लिया है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे रेवरेंड धर्मदास के लिए, प्रभु जी पास्टर एतिगा के पापा रेवरेंड धर्मदास के लिए जो रांची के पास प्रभु उनकी मृत्यु हुई है, हे प्रभु परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते जैसे आज उनको ये अंतिम विधि दिया गया प्रभु जी, हे प्रभु पास्टर एतिगा और उनके सारे भाई बहनों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और पिता प्रभु सांत्वना से भर दे राजा, ये हम प्रार्थना करते हैं। सारे अंधकार की शक्ति को लज्जित कर डाल प्रभु, जैसे हम तेरे वचन में देखते हैं हमारी सहायता कर, प्रभु तेरी महिमा हो। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। अब विश्वास करिए जो भी आपकी समस्या है प्रभु यीशु मसीह दूर कर रहा है, और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आज प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ठहरे, आज हम प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। तो आज हम देखेंगे कि कैसे मन की शांति, आज शैतान जब काम करता है तो सबसे पहले मन के अंदर काम करता है, इसलिए अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करने के लिए प्रभु के वचन में बताया जाता है, सबसे अधिक रक्षा कर, अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत जीवन का उगम उसी में है और कहीं नहीं है प्रियो। तो इसलिए आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उस वचन को देखेंगे मन की शांति, मन की शांति, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर का वचन आज हमको आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए आज आपको भी इस्तेमाल करे, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। प्रेज द लॉर्ड। अगर 16 वचन से पढ़ सकते हैं आप, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें आवश्यकता है किस बात की, हमारे मनों में शांति दे। आज लोगों के मनों में शांति नहीं है प्रियो, आज ये परमेश्वर की शांति कहाँ कहाँ जाती देखेंगे। सबसे पहले आज हमने देखा कि मनों में शांति देने वाला परमेश्वर है। टीबी जोशुआ के बारे में हमने कल देखा था, परमेश्वर का महान 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 दास, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और कलवरी चर्च के सारे सदस्यों को मैंने बताया भी था कि उनका कार्यक्रम हमेशा देखिएगा, और वो सच में प्रभु का बहुत बड़ा प्रॉफेट रहा, बहुत बड़ा पास्टर रहा, और उनके कितने गुण गाए हालेलुया उतने कम है, कितना अच्छा प्रभु का दास, हालेलुया। और इसलिए हमने कल देखा था कि कैसे वो आज स्वर्ग में हैं, और मैंने बताया था कि कैसे उनकी मौत हुई, उनकी मौत जो है बिस्तर पे नहीं हुई, लेकिन जब वो प्रचार कर रहे थे और प्रचार करने के बाद जो है वो अपने उस एक कमरे में प्रचार करते करते थोड़ा सा एक ब्रेक लिया उन्होंने और कमरे में गए और कुर्सी पर बैठे, तो कुर्सी पर बैठते बैठते ही वो जो है स्वर्गवासी हो गए, और उनको उसके पहले कोई बीमारी नहीं थी और ना ही कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी कुछ भी बीमारी नहीं थी। उनकी पत्नी ने गवाही दी है, और मरने के पहले कोई भी बीमारी नहीं थी, और वो प्रचार करते करते प्रभु के स्वर्ग में उठा लिए गए। वे हालेलुया
जब गए प्रचार किया, उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मेरे ख्याल से, और अंदर गए तो उनकी पत्नी कह रही कि अभी तक क्यों नहीं आ रहे बाहर, ये क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। जाके अंदर देखते हैं तो वो जो है स्वर्ग के स्वर्ग में चले गए। फटाफट उनको जो है देखा गया और डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया और वो प्रभु के पास गए। लोग कहते कि वो मर गए, लेकिन हम कहते हैं विश्वासी कि वो प्रभु में सो गए। और हमने देखा था कि जय लाजर जय स्वर्ग में शांति पा रहा है, स्वर्ग में शांति पा रहा है लाजर। जितने सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे वह सब शांति पाएंगे। स्वर्ग शांति के लिए है। ये दुनिया में तो बहुत अक्लेश होते हैं, दुनिया में तो बहुत सारी अशांति फैली है, और इसलिए हमारे मन को गार्ड करना है, हमारे मन की रक्षा करना है कि जो है ये सारी अफवाहों पर हम विश्वास नहीं करना। बहुत सारी अफवाहें और अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन हम अपना मन स्थिर रखना है। जब सुबह उठते हैं कोई लोग, वो जैसे अपना न्यूज़ खोलते हैं इतने अस्वस्थ हो जाते हैं। अरे प्रियो, सुबह उठने के बाद न्यूज़ मत देखिएगा, अगर देखना है तो बस जो है प्रभु का वचन देखिएगा, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। शांति पाने के लिए प्रभु का वचन ही एक अच्छा मार्ग है। शांति पाने के लिए परमेश्वर के पास ही जाना, ये हमारा रास्ता है। प्रभु के बिना शांति कोई नहीं दे सकता। वो शांति का राजकुमार है, बाइबल में उसको लिखा है कि वो शांति दाता है। शांति दाता मेरा यीशु मसीह, हालेलुया। तो ये शांति कहाँ भेजता है? पहली बात हमने देखी, ये शांति भेजता है मनों में। फिर कभी कभी शैतान जो है कुछ कुछ स्थानों में इतने अस्वस्थता, बेचैनी, झगड़ा बगड़ा, अभी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अलग अलग जगह पे, और अगर आप जाएंगे वेलकम मेट्रो स्टेशन के आसपास, तो वहाँ पे तो इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और इतना ज़्यादा जो है मतलब चोरी और चोरी चकारी, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, चैन पुलिंग बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे जो है हमारे चर्च में एक पुलिस है, और वो पुलिस मुझे कह रहे थे कि पास्टर मैं भी जो है पुलिस का ही ड्रेस पहन के मैं जो है जाता हूँ आता हूँ, दूसरे मतलब सफ़ेद वगैरह ड्रेस पहन के मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। पता नहीं कौन सा व्यक्ति आके चाकू मारेगा और क्या पैसे निकाल के भाग जाएगा। यह हालत है वहाँ पे, बड़ा बुरा हाल है वहाँ पे पास्टर। जो है कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं तो उन स्थानों में एकदम शैतानी राज्य करता है, उन शैतान के ही कब्जे है वहाँ पे। तो जो है अगर आप चाहते कि आपके जगह पे शैतान का कब्जा ना हो तो आप बहुत आराधना करिए और बहुत प्रार्थना करिए, फिर स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे और स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आपको कुछ बुरा नहीं हो सकता आपके साथ। इसलिए आवश्यकता है कि हम क्या करें जो है, हालेलुया, कुछ स्थानों में परमेश्वर आशीष देता है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, कि वो प्रभु कहाँ पे शांति देता है, देखना हाग गए दूसरे अध्याय के 9वें वचन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस स्थान को मैं शांति दूंगा। आज जो जो व्यक्ति जहां से मुझे देख रहे हैं उन जगहों को परमेश्वर शांति देने जा रहा है। इस स्थान को मैं शांति दूंगा। परमेश्वर हमारे मन में शांति देता देगा, और आपकी आराधना जो होती है आपके घर में, आपकी आराधना के कारण आपके घर में और आपके एरिया को प्रभु शांति देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है, और वो स्थानों को शांति देता है, वह मनों को शांति देता है। बाइबल में लिखा है कि वो सारी पृथ्वी को भी शांति दे सकता है, लूका उसका 2रा अध्याय और उसके 4 लिखा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, 13वां वचन, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो।
जिनसे वह प्रसन्न है वहां पे शांति हो, उन मनुष्यों में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जो है महिमा पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है उनको शांति मिले। आज हमें प्रभु को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने प्रभु को हमेशा बोलना है, जीसस आई लव यू। जैसे मैं कहता हूं जॉली आई लव यू, और जॉली कहती है आई लव यू टू, वेरी गुड। जैसे पति पत्नी में प्यार होता है तो उसी प्रकार उससे ज्यादा अगापे प्रेम हमारे परमेश्वर के साथ होना चाहिए। मैं कल अपने बच्चों को हमारे फैमिली प्रेयर में सिखा रहा था कि जीसस को हमेशा बोलते रहना, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। आज मैं कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को सिखा रहा हूं प्रियो ये कि प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना, और प्रभु यीशु मसीह का प्यार का इजहार करना है, बताना है कि आई लव यू। प्रभु यीशु मसीह को बताना कि मैं आपको प्यार करता हूं। जब आप यीशु मसीह को प्यार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेगा, नहीं तो वो स्वर्ग में नहीं लेगा। तुम कितनी सेवा करो, स्वर्ग नहीं आपके लिए। बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है पता ना, तू अपने परमेश्वर यहोवा को संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर, यह सबसे बड़ी आज्ञा है। फिर अपने समान अपने पड़ोसी को भी प्यार कर, यह भी आज्ञा है। लेकिन सबसे पहला प्यार सारी बुद्धि शक्ति प्राण आत्मा से प्रभु से प्यार करना है, परमेश्वर पिता से प्यार करना है। बार बार उससे कहना कि जीसस आई लव यू, माय फादर आई लव यू, थैंक यू फादर फॉर सेंडिंग योर सन जीसस क्राइस्ट फॉर माय सिंस ओ लॉर्ड, फॉर माय सेल्वेशन ओ लॉर्ड। आप उस प्यार का इजहार करना है। और जो प्रभु से प्यार नहीं करता परमेश्वर के कोई काम का नहीं है। आज के लोग लेकिन बाद में आखिरी दिन कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। बाप रे, आज जो मसीह जीवन का सबसे मुख्य या एक कोर या जिसको निचोड़ कहते हैं वो है प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, हमारे परिवार के सबसे प्रेम, और दुनिया से प्रेम, अपने समाज से प्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरूर ये यहां से थोड़ा सा मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार कह रहा हूं कि आप प्रभु से प्रेम करो। प्रभु से कितना चीज लेते रहोगे, प्रभु से क्या क्या लिया, प्रभु से बच्चा लिया, फिर उसको एडमिशन भी ले लिया, फिर उसके पैसा भी ले लिया, फिर प्रभु से जो है अच्छी स्कूल भी ले ली, फिर जो है बच्चे के लिए फिर अच्छा ट्यूशन भी ले लिया, फिर बच्चों के लिए पैसा भी ले लिया, फिर बच्चों के लिए फलाना ले लिया, बच्चों के लिए धोम का ले लिया, बच्चों के लिए अच्छी लड़की भी ले ली या लड़का भी ले लिया, दामाद भी लिया, बहू भी ली, सारे लिए बच्चे परमेश्वर से ले दे रहे होंगे क्या। अय्यूब कहता है क्या परमेश्वर से हमेशा अच्छी चीजें लेते रहोगे क्या, क्या प्रभु बुरा काम नहीं कर सकता क्या, हाँ क्या जो है जिसने दिया उसने लिया, धन्य है उसका नाम। हालांकि प्रभु लेता नहीं है, देता रहता है वो। अरे भाई देता रहता है तो कम से कम जो देता रहता है तो उसको तो बोलो तो सही कि जीसस आई लव यू, आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई लाइक यू। ये प्रभु से बोलते रहो आप। जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी। प्रभु चाहता कि आप उसको बोलते रहिए, उसे कहते रहिए कि यीशु मसीह जीसस आई लव यू, हालेलुया। और यीशु मसीह आपको प्यार करेगा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है, और उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया ना, बहुत प्यार करता है वो। लेकिन हम यीशु मसीह को आई लव यू बोलते ही नहीं, हम कहते नहीं कि जीसस आई लव यू। तो आज के बाद जो है आई लव यू बोलना शुरू करें, एंड यू मीन इट ब्रदर। जब आप बोलते कि उसको प्यार करता हूं, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, तो उसको उसका अर्थ समझ के बोलिएगा।
ये नहीं कि 10 बॉयफ्रेंड को भी एक साथ बोल दिया ब्रॉडकास्ट से आई लव यू, धड़ाड़ से गए सारे सारे ब्रॉडकास्ट से सारे आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और जो है गर्लफ्रेंड को जो है ब्रॉडकास्ट से भेज दिया आई लव यू आई लव यू, यस 10-15-20 लोगों को एक साथ भेज दिया आई लव यू। ये ऐसा आई लव यू जीसस को नहीं चाहिए। यीशु मसीह को जो आई लव यू चाहिए तो आप जो है उसका अर्थ समझ के बोलिए, नहीं तो बोलना उसको आई लव यू। लेकिन अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो उसके सिर्फ आशीषों को मत गिनते रहिए, आशीषों से मत पाप प्राप्त करते रहिए, उसको प्रेम भी करिए। उसे कितना पैसा पाया हमने, कितनी आशीषें पाई हमने उससे, कितना आनंद पाया उससे हमने, क्या उसको हम प्यार नहीं दे सकते? हम उसको प्यार करेंगे तो उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है उनको शांति हो। प्रसन्न किनसे है प्रभु? जो लोग उसको कहते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, सच्चा प्यार करते हैं। हालेलुया, झूठा प्यार नहीं करते, सच्चा प्यार, खरा प्यार। आज प्रभु यीशु मसीह हालेलुया ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्यार में उसकी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, उसके लिए गीत गाए, भजन गाए, उसे प्यार करे। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस स्थान को मैं शांति से भर दूंगा। हालेलुया, प्रभु कहता है कि स्थान को मैं शांति से भर दूंगा। पहले हमने देखा कि सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की शांति हो। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो स्वर्गदूतों के द्वारा शांति का जाहिरनामा कर दिया गया वह सारी पृथ्वी के लिए कर किया गया। फिर जो प्रभु को ग्रहण करता है उनके मनों में शांति आती है, और जिस स्थान में लोग इकट्ठा होकर आराधना करते हैं उस स्थान को प्रभु आशीषित करता है। परमेश्वर साउथ एक्स को आशीषित करता है, परमेश्वर जीवन नगर को आशीषित करता है, प्रभु इलायचीपुर कैलवरी चर्च को आशीषित करता है, प्रभु इलायचीपुर कैलवरी चर्च के कारण संपूर्ण इलायचीपुर और संपूर्ण एरिया को आशीषित करता है, परमेश्वर मंझावली के एक आराधना जब शुरू हो जाएगी उसके कारण सारी मंझावली और सारे हरियाणा को आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हरियाणा के सारे लोगों को मंझावली कारण प्रभु आशीषित करेगा, हाँ करेगा। इलायचीपुर के कारण सारे यूपी को प्रभु आशीषित करेगा, हाँ करेगा। जीवन नगर और साउथ ईस्ट कैलवरी चर्च के कारण सारी हालेलुया दिल्ली को प्रभु आशीषित करेगा, हाँ करेगा। वाव, और इसलिए हालेलुया इन सारी जगहों के लिए लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि इसमें भाग कैलवरी चर्च के सदस्यों का है जो प्रार्थना कर रहे हैं, कैलवरी चर्च के सदस्यों का है हालेलुया जो अपना दशमांश लगातार देते हैं। ये कैलवरी चर्च प्रभु चला रहा है, लेकिन जरिया प्रभु ने विश्वासियों को बनाया है। धन्य है वे लोग जो कलीसिया के खंभे बन के आगे बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। तो सारी पृथ्वी पर महिमा यीशु के जन्म के कारण, सारे स्थानों में उन स्थानों को परमेश्वर की शांति आराधना के कारण, और जिन जीवनों में प्रभु अपने जिन जीवनों में प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया जाता है उन मनों में शांति। फिर अगर आप पढ़ेंगे हालेलुया कैसे प्रभु परमेश्वर हालेलुया देश को शांति देता है, देश की शांति। यिर्मयाह 12:5 तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? शांति के इस देश में तू निडर है, शांति का देश। प्रियो, कैलवरी चर्च के सदस्यों के कारण आज इतनी सारी कलीसियाएं हमारे दिल्ली और भारत में पाई जाती है, उन कलीसियाओं के कारण परमेश्वर हमारे भारत देश को आशीष देगा। भारत देश के बारे में कहा गया है 2022 में ये भारत में बहुत सारी आर्थिक तंगी आएगी, बेरोजगारी आएगी, बहुत कठिन समय भारत के ऊपर गुजरेगा। लेकिन मैं आपको चैलेंज देके कहना चाहता हूँ कि यदि कलीसिया के सारे लोग अगर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे,
दिल्ली भारत के लिए रो रो के माफी मांगेंगे तो परमेश्वर आने वाली विपत्ति को दूर करेगा, ये आर्थिक समस्या प्रभु दूर करेगा। हमारे सारे अधिकारी पंत प्रधान और मंत्रिमंडलों का नियंत्रण प्रभु अपने हाथ में लेगा। क्यों ना ऐसा करें कि हर एक विश्वासी हर रोज हमारे भारत के पंत प्रधान के लिए और सारे मंत्रिमंडल के लिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए और सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा कब्जा उनके ऊपर करवा दे, पवित्र आत्मा का कंट्रोल उनके ऊपर आ जाए। दुष्ट आत्मा जो उनको सताती है, दुष्ट आत्मा जो हमारे अधिकारियों के विरोध में खड़ी रहती है, उन दुष्ट आत्मा को बांध दो, उन दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बांध दो और देखना कि हमारे भारतवर्ष में प्रभु यीशु की महिमा होगी। कलवरी कलीसिया के लोग और सारी कलीसिया के लोग, आज मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, आप चाहे पाकिस्तान से, हमारे इस कार्यक्रम को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, यूट्यूब के इतने सारे जो पाकिस्तान से लोग देखते हैं और पाकिस्तान से बहुत सारे पासवानों ने मुझसे फ़ोन किया है, उन्होंने कहा कि आप भारत आप पाकिस्तान के लिए दुआ करो, मैं भारत के लिए दुआ करूँगा पास्टर। हमारे भारत और पाकिस्तान में युद्ध नहीं होना चाहिए, हमारे भारत और पाकिस्तान को मिलजुल के रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान पहले तो एक ही तो था। मैंने कहा हाँ पास्टर सही बात है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हालेलुया। और ये दुश्मनी की आत्मा तब निकल जाएगी जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे। चाइना क्या वो हमारा दुश्मन है? कदापि नहीं, हम चाइना के लिए प्रार्थना करेंगे। हम चाइना में बहुत सारे विश्वासी हैं, चाइना के लोग भारत के लिए प्रार्थना करते, भारत के लोग चाइना के लिए प्रार्थना करें, लेकिन सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेवारी हमारे लिए जो है वो भारत के लिए है। हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन सारे लोगों के पास? क्या तुम जाके प्रचार करोगे? क्या तुम अपने जगह पे जाके इकट्ठा होकर आराधना करके भारत के देश की शांति का वरदान मांगोगे? हालेलुया। मन की शांति और उस स्थान की शांति और देश की शांति देश की शांति, मन शांति, हालेलुया। और जो है मन की शांति, उसके बाद में जो है हम देखते कि उस स्थान की शांति, सारे जगत सारे दुनिया की शांति और देश की शांति भी प्रभु शांति देने के लिए तैयार है। जब शांति के राजकुमार को बुलाया जाए, वो तो देश की बात छोड़ो, आज कुछ घरों में ही झगड़े चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान बन गया सारे कुछ घर। प्रियो माफी मांगिए, घर में झगड़ा कर रहे हो, माफी मांगिए, प्रार्थना में बैठिए। शैतान का काम आपके जीवन में भी हो रहा है, शैतान की चाल को समझ लो। पत्नी कभी खुश नहीं रहती अपने पति से, हमेशा तन 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 करती रहती है। पति बेचारा कितना भी मेहनत करके सारे पैसे पत्नी के हाथ में देता है, फिर भी पत्नी परेशान करते रहते हैं। या कभी पति तन 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 करता रहता है, शक करते हैं एक दूसरे पे और एक दूसरे पे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, भाई बहन झगड़ा करते हैं। तो ये झगड़ा करने की आत्मा दूर करो। अरे झगड़ा करने के कारण जो है उनके घर के कुत्ते भी आजकल झगड़ा करने लगे हैं, बिल्लियाँ भी झगड़ा करना शुरू कर दिए, वो झगड़े की आत्मा है। इसलिए हमें शांति के लिए इतना सारा समय लिया। शांति शांति यीशु की शांति, शांति शांति यीशु की शांति। हालेलुया। शांति कैसे आएगी? हालेलुया। मेल मिलाप कर ले, प्यार से रहे अपनी पत्नी के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, प्यार से रहे अपनी सोसाइटी में। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब तक वो शांति का राजकुमार नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी। वो शांति का दाता मेरा परमेश्वर यहोवा है। जब तक वो शांति नहीं देगा, शांति नहीं मिलेगी। आपके मन में शांति चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करो। आपके आपके स्थान में शांति चाहिए, आपके गांव में शांति चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करो। आपके देश में शांति चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करो। सारे दुनिया के लिए शांति चाहते हो आप, तो यीशु मसीह के जन के लिए प्रभु को धन्यवाद दो और शांति मांगो। शांति का दाता यह सब करने वाला है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रभु परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, सारे बंधन तोड़ दे। बहुत सारे लोग फंसे हुए, पाप में फंसे हैं, दलदल में फंसे हैं। एक बार एक जो है शेर गाय के पीछे दौड़ रहा था और दौड़ते 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 दौड़ते
गाय कीचड़ में जाके फंस गई और वहां पे जाके देखता क्या, वो शेर भी पहले ही बहुत दूर पहले ही वो फंस गया था, वो जहां से वो आ रहा था दौड़ते हुए वहीं भी फंस गया था। तो गाय शेर के पास देख के हंस के कहती है, तू तो निकलेगा नहीं, मैं तो निकल जाऊंगी, देख लेना। बोले कैसे निकलेगी तू, मैं भी आ रहा हूं तुझको ठीक हो गया। और उतने में जय नहीं मुझ मैं निकलूंगी, देख लेना तू, देख लेना। और उतने में उस गाय का मालिक आता है, अरे गाय आई नहीं, गाय आई नहीं। फटाफट जाए जिन्होंने देखा कि गाय तो फंसी है, रस्सी लेके लकड़ी लेके फटाफट आके गाय को निकाला उन्होंने। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको निकालेगा हमारे हर प्रकार के कीचड़ से, हमारे हर प्रकार के जिस दलदल में आप फंसे हैं सिर्फ यीशु मसीह निकाल सकता है। जो झगड़े का दलदल, जो व्यभिचार का दलदल, जो अशांति का दलदल, उस अशांति के दलदल से प्रभु आपको बचाएगा। प्रियो मे गॉड ब्लेस यू। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आज मैं हर घर के लिए शांति मांग रहा हूँ प्रभु। प्रभु परमेश्वर जैसे तूने जकई को कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इन घरों में उद्धार आने दे प्रभु, इस घर में शांति आने दे प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, तूने हमको बताया कि जब तुम किसी घर में जाओगे तो तुम कहो कि इस घर में परमेश्वर की शांति आए। आज मेरी आवाज इन घरों में जा रही है और आज मैं कह रहा हूं कि इन्हें शांति मिले यीशु के नाम से, इनके पति पत्नी के झगड़े बंद हो जाए यीशु के नाम से, बच्चों के झगड़े बंद हो जाए यीशु के नाम से, वह झगड़े की आत्मा दूर हो जाए। उस स्थान में आराधना वो करेंगे और वहां पे परमेश्वर की शांति आएगी। उस मन में, उस मन मंदिर से आराधना होगी और उस मन में प्रभु शांति देगा। उस परिवार में प्रभु आराधना लेगा और उस परिवार में प्रभु शांति देगा। हालेलुया। हो उस जगह, जिन जिन जगह में कैलवरी चर्च के सदस्य रह रहे हैं प्रभु, जहां पे आराधना करते हैं प्रभु हर शाम को 4 बजे, प्रभु गीत गाते हैं प्रभु 4 बजे, और प्रभु परमेश्वर उन जगह पे तेरी पवित्र आत्मा जोरों से मंडला है, उन जगह को प्रभु मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूं। हमारे पांचों कलीसिया जहां जहां प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उन सारी जगह पे मंडलाने दे, वहां के सारे झगड़े की आत्मा, विरोध की आत्मा, शैतान की आत्मा यीशु के नाम से हम बांध देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा उन जगह का कंट्रोल अपने हाथों में ले। मेरे कैलवरी चर्च के सदस्य वहां रह रहे हैं, मेरे वो दर्शक, मेरे प्यारे प्यारे दर्शक जहां पे रह रहे प्रभु जी, उन जगह पे जैसे वो आराधना करते हैं, और ये जब हमारी आवाज उनके घरों में प्रभु आवाज करती है, उन घरों में प्रभु तेरी शांति आ जाए। होने देखी हुई आवाज वो बड़े लाउड स्पीकर पे लगाए अपने घरों में, ताकि सारी दुष्ट आत्मा निकल जाए और उस घर में प्रभु की शांति आ जाए। प्रभु तू तो वो परमेश्वर है जो देश में शांति देता है। सुलेमान के समय में तूने संपूर्ण इसराइल को शांति दी प्रभु जी। आज हमारे समय में जो हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमारे समय में प्रभु तो सारे भारत को आशीष दे। हमारे भारत के कारण प्रभु, हमारे कैलवरी चर्च के सदस्यों के कारण प्रभु, हमारे प्रेयर वॉरियर्स के कारण प्रभु जी, संपूर्ण भारत का भविष्यवाणी बदल जाए। तेरे वचन में लिखा है, भविष्यवाणी हो तब वह बदल जाएगी, भविष्यवाणी हो तब टल जाएगी, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। कैलवरी चर्च के लोग प्रार्थना करें प्रभु जी, सारे भारत के विश्वासी मिलजुल के एक मन से प्रार्थना करें कि हमारे भारत में आर्थिक तंगी ना आए, हमारे भारत का हर एक जन गरीब ना हो, हमारे भारत में शांति आए, हमारे भारत में चैन आए, हमारा देश टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, और हर एक विश्वासी अपने अपने देश के लिए दुआ करे। और प्रभु यीशु जब तू इस दुनिया में आया, ये शांति का वरदान उन सारे पृथ्वी पर के लोगों के लिए है जिनसे तू प्रसन्न है। प्रभु जी आज इन लोगों के घरों में तेरी शांति आ रही है, धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को प्रभु तेरे वचन सुन सुन के वचन पढ़ पढ़ के उसके अनुसार कर करके मनों में शांति आने दे। झगड़े की जो बातें हैं प्रभु बंद हो जाए, और प्रभु परमेश्वर वो जो वाद विवाद होता रहता है वो वाद विवाद होने ना पाए। हे प्रभु अगला व्यक्ति वाद विवाद करने ही ना पाए, और सब प्रेम से लेने वाले बने। झगड़ा करने वाला प्रभु परमेश्वर उसके साथ अगर कोई झगड़ा करने वाला नहीं है तो वो झगड़ा होएगा ही नहीं प्रभु। और झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। प्रेम की आत्मा, आनंद की आत्मा और शांति की आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर उतरने देता हूँ। हर एक जन की बीमारी दूर कर,
तेरी महिमा हो। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ और कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ, प्यारे प्यारे दर्शक, प्यारे प्यारे मेंबर, उन सब के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे, आमेन आमेन। प्रियो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, आप जो जो शेयर करते हैं और मैसेजेस आप सारी दुनिया में भेजते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पर खास करके जो लोग ये शेयर कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू। और जो लोग शेयर नहीं करना जानते कृपया शेयर करना सीखे, ताकि ये वचन एक आइटम बॉम्ब बन के शैतान के राज्य को ध्वस्त करे। हालेलुया, हम अपनी महिमा नहीं चाहते हैं, हम प्रभु की महिमा चाहते हैं, हम सारी महिमा प्रभु को देंगे। और इसलिए ये वचन ऐसा एटम बॉम्ब बने कि शैतान का राज्य नाश हो और हमारे भारत में प्रभु का राज्य प्रस्थापित किया जाए, शैतान भागे। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति से। इसलिए जरूर शेयर करिएगा और यूट्यूब पर भी जो शेयर करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु देखता है आपको और प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा। जो शेयर नहीं करते हैं आपसे विनती है कि कृपया शेयर करिए। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम शालोम शालोम।